शेयर मार्केट में फिलहाल काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स चिंता में हैं, क्योंकि लगातार मार्केट में बड़े बड़े क्रैशेज हो रहे हैं। अब कल भी मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आया, उससे कुछ दिन पहले भी आया, और ये लगातार हो रहा है। अब देखिए, शेयर मार्केट जब लगातार बहुत ऊपर जाता है, मतलब कोई ना कोई ऐसा सेगमेंट है मार्केट में जो बहुत बड़ी मात्रा में उसे खरीद रहा है, शेयर्स को खरीद रहा है। सिमिलरली जब मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है ना, तो उसका ये मतलब है कि कोई ना कोई बहुत बड़ी मात्रा में शेयर्स बेच रहा है। सो राइट नाउ वो जो सेगमेंट है उसका नाम है FII, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। लगभग एक महीना पहले हमने ये वीडियो बनाई थी। अब उस वीडियो में हमने बात की थी कि क्यों मार्केट में आने वाले कुछ टाइम में क्रैशेस हो सकते हैं, और उसमें से काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो रियलिटी में तब्दील होना शुरू हो गया है। अब देखिए, ये चीज़ तो बहुत आम हो गई है कि हम सुनते रहते कि FII ने बेच दिया तो मार्केट गिर गया, लेकिन अगर आपको यहाँ पर पूरे शेयर मार्केट की कंडीशन सिर्फ अब की नहीं, आने वाले कुछ महीनों की समझना है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फिलहाल जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो कितने शेयर्स बेच रहे हैं और क्यों बेच रहे हैं, उनको क्या कंसर्न इंडिया के शेयर मार्केट से। ये सारी चीज़ें आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है, और उसी के बारे में आज मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। यानी आज के इस वीडियो को देखने के बाद शेयर मार्केट क्यों गिर रहा है, कब तक गिरेगा, ये सारे आपके डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अभी दिवाली खत्म हो गई है, और हमारी जो दिवाली कॉम्बो ऑफर है वो भी अभी खत्म होने वाली है। उसके बस आखिरी चंद घंटे बाकी हैं, जिसमें आप यहाँ पर हमारे कॉम्बो ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं, जो फिलहाल 50% से भी ज़्यादा डिस्काउंट में मिल रहे हैं। यहाँ पर हमारे जो मोस्ट सोल्ड और मोस्ट लव्ड कॉम्बो है, जिसका नाम है द बिग कॉम्बो, जिसमें आपको फाउंडेशन कोर्स फॉर स्टॉक मार्केट प्लस फंडामेंटल एनालिसिस 2.0 प्लस ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर हेजिंग प्लस एडवांस म्यूचुअल फंड, ये चारों कोर्सेज 50% से भी ज़्यादा के डिस्काउंट में मिल रहे हैं, जो आपको एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक एक काबिल इन्वेस्टर बनाएंगे, ताकि आपको किसी और पर डिपेंड रहने की जरूरत ही ना पड़े। ये सारे कोर्सेज 100% प्रैक्टिकल है, पूरे प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हमने यहाँ पर सारी चीज़ें समझाई है, जैसे कि किसी भी कंपनी का फॉरेंसिक एनालिसिस, उसका मैनेजमेंट एनालिसिस, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस, और उसके साथ ही पल फार्मिंग अप्रोच और कई सारी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज भी यहाँ पर हमने आपको सिखाई है, जो आपको बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें सिखा देगी। हमारे जो कॉम्बो ही आता है विथ लाइफ टाइम एक्सेस एंड 4 सर्टिफिकेट्स, तो इस ऑफर को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि इस दिवाली ऑफर के बाद इस प्राइस पर आपको ये कॉम्बो कभी नहीं मिलेगा। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इसके बस आखिरी चंद घंटे ही बाकी है, तो ऑफर खत्म होने से पहले ज़रूर इसका फायदा लें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, एज यू कैन सी, जो आपके स्क्रीन के ऊपर है वो FII का डेटा है कि इन्होंने पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सालों में हर मंथ में नेट नेट कितने शेयर्स बाय किए, कितने रुपए के शेयर्स बाय किए, और नेट नेट कितने रुपए के शेयर सेल किए। ओवरऑल ये काफ़ी पुराना डेटा है, साल 2000 आप स्क्रॉल करोगे नीचे तो पता चलता है 2007 से लेकर के अब तक का। और आप देखोगे यहाँ पर नेट नेट सेल की, अगर देखें FII ने नेट कितना कितने शेयर्स नेट नेट सेल किए हैं, तो 20,000-30,000 करोड़ काफ़ी नॉर्मल है कभी कभार। लेकिन अगर हम पिछले एक साल की बात करें जनवरी से लेकर अब तक, तो नेट नेट सेल्स ही है, FII ने कुछ खास बाय नहीं किया इस साल। वही अगर हम थोड़ा फर्स्ट हाफ की बात करें पिछले साल की, तो इन्होंने काफ़ी बड़ी ख़रीदारी की, लेकिन उसके बाद FII का जो मूड है वो थोड़ा पैसा निकालने का ही है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे काफ़ी यहाँ पर बहुत शॉकिंग लगी वो ये है कि पिछले सिर्फ एक महीने में इनका जो नेट सेल है FII का वो 1,14,445 करोड़ का है। ये जो नेट सेल है इनका, ये इंडिया के शेयर मार्केट हिस्ट्री का किसी एक मंथ में हुआ सबसे ज़्यादा नेट सेल्स है। यानी कि FII का इतना ज़्यादा पैसा इंडिया के बाहर अब तक एक महीने में कभी नहीं गया था, जितना कि अक्टूबर 2024 में गया है। उससे पहले कि आप नंबर्स देखिए, कभी 20,000, 30,000, 40,000, 15,000, 20-30,000, मतलब काफ़ी कॉमन रहा है, सीधा 1 लाख को क्रॉस करना हैज़ बीन वेरी वेरी शॉकिंग फॉर द इंडियन मार्केट्स। अब ये जो क्रैश है पिछले महीने का, ये और भी ज़्यादा सीवियर होता अगर DIIs बाय ना करते तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से, म्यूचुअल फंड से, इंश्योरेंस कंपनीज है वगैरह वगैरह, इन्होंने अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पर नेट परचेस किया है, जिसकी वजह से ये जो क्रैश हुआ है मार्केट में वो कुछ हद तक लिमिटेड हो गया, नहीं तो और भी ज़्यादा क्रैश होने की यहाँ पर संभावना थी। अब सवाल ये आता है कि FII अगर इतनी अग्रेसिव है और अक्टूबर मंथ में इन्होंने इतना ज़्यादा सेल किया है, तो वो किया क्यों? तो इसके पीछे देखिए मेनली तीन कारण हैं, जिनके बारे में आज हम विस्तार में बात करेंगे। तो सबसे पहला कारण ये है कि बहुत सारे जो FPI है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, वो इंडिया से पैसा लेकर चाइना में एक अच्छा खासा पैसा डाल रहे हैं। रीज़न बीइंग, एक वीडियो में मैंने एक महीना पहले बताया था कि चाइना में बहुत बड़ा एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया है, जिसकी वजह से वहाँ पर पैसा जा रहा है। लेकिन अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें, तो अक्टूबर मंथ में इतना ज़्यादा जो आउटफ्लो आया है, उसके पीछे रीज़न ये है कि आज US में इलेक्शन है 5 तारीख को। अब 2-3 दिन में यहाँ पर एक क्लियर पिक्चर दिख सकता है। देखिए, अब इंडिया में भी होता है कि कई बार कोई पर्टिकुलर सरकार आती है तो शेयर प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, अगर वो जीत कर आती है तो, और कोई जो लोगों की संभावना है कि ये सरकार आनी चाहिए वो सरकार नहीं आती है, तो मार्केट में बहुत बड़े बड़े क्रैश भी होते हैं। US में भी सेम ही चीज़ चलती है। सो कई सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है, और मेरा भी ये मानना है कि अगर US में डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर इलेक्ट होकर आते हैं,
तो वहाँ पर शॉर्ट टर्म में अच्छी खासी रैली देखने मिल सकती है, लेकिन अगर कमला हैरिस वहाँ पर इलेक्ट होकर आती है तो वहाँ पर एक शॉर्ट टर्म में कुछ डाउन फेज देखने मिल सकता है। देखिए, अब इलेक्शन के रिजल्ट के बाद मार्केट में जो मूवमेंट होता है वो जनरली शॉर्ट टर्म होता है, उसका लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता है। तो ये एक चीज़ है जिसकी वजह से अभी FII थोड़े कॉशियस है, क्योंकि इस बार कांटे की टक्कर है, क्लैरिटी ज़्यादा कुछ नहीं है किसी को। बहुत सारा डेटा ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इजीली यहाँ पर जीत जाएंगे, लेकिन इजी फाइट तो नहीं लग रही है, थोड़ी टफ ही लग रही है। दूसरी चीज़ है कि 7 तारीख को यानी परसों फेडरल रिजर्व की मीटिंग है, और आपने फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन हैं उनकी रील देखी होगी जब जेरेमी पावेल वहाँ पर स्पीच देने आते हैं फेडरल रिजर्व में, कि इंटरेस्ट रेट्स को कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, जो भी है। तो उसके बाद मार्केट में तुरंत रिएक्शन देखने मिलती है। तो ये 2-3 इवेंट्स जो है ये काफ़ी सेंसिटिव इवेंट्स हैं जिनका शेयर प्राइसेस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, और ऑफकोर्स यूएस इलेक्शन का नहीं बड़ी मात्रा में तो छोटी मात्रा में भी इंडिया में थोड़ा बहुत 1-2 दिन के लिए इंपैक्ट होता है, और वहाँ के जो इंटरेस्ट रेट्स है उसका भी इंडिया में थोड़ा बहुत इंपैक्ट होता है। ये तो हो गया पहला कंसर्न, ये तो कॉशियस है कि ठीक है कि इलेक्शन रिजल्ट के बाद हम देखेंगे कि फिर से आना है, कैसे आना है, कब आना है। लेकिन जो दूसरा कंसर्न है वो काफ़ी सीरियस है, नॉट जस्ट फॉर देम बट हम सभी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है, वो ये है कि Q2 के रिजल्ट्स। देखिए, लास्ट टाइम में मैंने आपको ये पी रेशो का डेटा दिखाया था कि इंडिया में जो कुछ मिड कैप का अगर देखा जाए, ये मिड कैप का प्राइस टू अर्निंग्स रेशो है, और ये 2022 से 23 तक लिमिट में था, लेकिन फिर अचानक फेब्रुआरी 2024 के बाद इसमें अचानक बहुत ज़्यादा हाइक देखने मिली, और जो पी रेशो मिड कैप का 25-27 के करीब रहा करता था वो 44-45 के करीब चला गया। अब देखिए, प्राइस टू अर्निंग रेशो बढ़ता है तो उसे मेंटेन रखने के लिए प्रॉफिट का बढ़ना ज़रूरी है। इंडियन मार्केट की अगर बात करें तो पिछले 1.5 साल में इंडियन मार्केट काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा है, लेकिन अगर उसी बढ़त को जारी रखना है तो आपको बिजनेस में परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। और शॉकिंग डेटा ये कि अभी Q2 का जो रिजल्ट्स आए September के, वो बड़े शॉकिंग है। 50 निफ्टी में कितनी कंपनीज है, 50 कंपनीज, उन 50 में से जो 34 कंपनीज हैं उन्होंने सिर्फ सेल्स में मात्र 5% की ग्रोथ दिखाई है, सिर्फ 5% की, EBITDA में मात्र 1% की ग्रोथ, और उन 34 कंपनीज का जो नेट प्रॉफिट है वो कुछ भी नहीं बढ़ा है, वही के वही। तो अगर मैं Q2 की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है ज़्यादातर कंपनीज के लिए, यानी कि 75% कंपनीज़ जो निफ्टी में आती है उन्होंने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया इन द लास्ट क्वार्टर। तो बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का ये फियर है कि अगर ये बिजनेस परफॉर्मेंस नहीं बढ़ती रही तो जो बढ़े हुए वैल्यूएशंस हैं वो सस्टेन होना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। देखिए, लार्ज कैप में मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं लगता है, लेकिन अगर मैं मिड कैप सेगमेंट की बात करूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस दिए गए कंपनीज़ को, लेकिन वहाँ पर अभी परफॉर्मेंस Q2 में काफ़ी डालम डोल आई है। अगर यही चीज़ आने वाले 1-2 क्वार्टर में जारी रखती है तो वहाँ पर वैल्यूएशन में और करेक्शन आपको देखने मिलेगा, और वहाँ पर अगेन अच्छे रिटर्न्स मिलना जिस तरह के मिले हैं 1-1.5 साल में, वो मिलना आपके लिए टफ हो जाएगा। बिकॉज शेयर प्राइसेस एंड बिजनेस गो हैंड इन हैंड, बिजनेस बढ़ेगा, धंधा बढ़ेगा, तभी शेयर प्राइस बढ़ेगी लॉन्ग टर्म में। और कई सारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको ये आशंका है कि अगर यही चीज़ जारी रही आने वाले कुछ क्वार्टर में तो यहाँ पर एक और अच्छा खासा करेक्शन देखने मिल सकता है। ये तो हो गया FII का लॉजिक कि वो यहाँ से क्यों एग्जिट कर रहे हैं। तो चाइना में उनको एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो थोड़ा बहुत पैसा वहाँ पर डाल दिया। US इलेक्शंस जब तक होते नहीं है तब तक ज़्यादा रिस्क लोग लेना नहीं चाहते, तो पैसा निकाल लिया कि इलेक्शंस के रिजल्ट आने के बाद फिर से डालेंगे। और तीसरी चीज़ ये कंसर्न है कि इंडियन शेयर्स की जो परफॉर्मेंस है, कंपनीज की परफॉर्मेंस है, वो Q2 में काफ़ी ख़राब आई है। अगर मैं मीडिया सेगमेंट की बात करूँ तो येस, काफ़ी सारी कंपनीज ओवर वैल्यूड है, लेकिन अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ है कि कई सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जहाँ पर वैल्यूएशंस काफ़ी कम है। तो ओवरऑल पूरे मार्केट के हिसाब से आपको नहीं देखना है, आपको एक इंडिविजुअल कंपनी के हिसाब से देखना है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका वैल्यूएशन कैसा है। क्योंकि कई बार होता है कि सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन उस 30 में से 1-2 कंपनीज ऐसी होती है जो आपको बहुत ही चीप वैल्यूएशन पर मिल जाती है। सेम थिंग हैपन्स विद द मिड कैप इंडेक्स, सेम थिंग हैपन्स विद द स्मॉल कैप इंडेक्स, तो ये होता रहता है। तो ये अपॉर्चुनिटी, तो आपको ओवरऑल फ्लो के साथ नहीं जाना है। अब बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ बस FII DII करते रहते कि इन्होंने ये किया वो किया। अब ऐसा नहीं कि बहुत सारे FII ऐसे भी है जिनको बहुत मीडिया का रिटर्न्स मिले, उनसे कई गुना बेटर रिटर्न्स रिटेल इन्वेस्टर्स को मिले जो स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि वो जो कर रहे हैं वही करना सही है, आपको सही कंपनीज ढूंढनी है और उनमें बने रहना है। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलना है। और दूसरी चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मार्केट कभी भी इस तरह से ऊपर नहीं जाता है। ये सेंसेक्स का ही आप पिछले 5 साल का ग्राफ देख लीजिए। अब यहाँ पर 2020 में मार्च 2020 में डाउनफॉल आया, उसके बाद मार्केट लगातार ऊपर चला गया और सीधा 27,000 से 60,000 हुआ। फिर ये 2021 से 2023 तक 60,000 ही रहा, 2 साल कुछ नहीं बढ़ा। लेकिन 2023 से फिर से आगे बढ़ने लगा और फिर 60,000 से बढ़कर 85,000 पर जाकर पहुँच गया। अब वहाँ पर अगेन थोड़ा करेक्शन आ गया। तो मार्केट इज़ लाइक गोइंग अप देन कमिंग डाउन। तो कई बार शेयर्स की जब वो ऊपर चला जाता है तो कई सारे शेयर्स ओवर वैल्यूड हो जाते हैं तो करेक्शन उसमें आ जाता है। फिर से जब बिजनेस परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, इंप्रूव हो जाते हैं, तो फिर से शेयर प्राइस बढ़ने लगती है।
तो ये जो शॉर्ट टर्म साइकिल्स है इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है और एक स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है ऐसे टाइम में, वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है कि कौन कौन सी कंपनीज बहुत क्रेजीली गिर रही है। मुझे तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज मिली हैं जो काफ़ी क्रेजीली गिर रही हैं, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तो उन कंपनीज़ को मैं टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आने वाले टाइम में और भी अगर गिरावट होती है तो हमारे लिए एक अच्छी बात है। सो यू जस्ट नीड टू डू द अपोजिट ऑफ व्हाट अदर्स आर डूइंग, और यही एक विनिंग स्ट्रैटेजी मार्केट में, बिकॉज मार्केट में लोग गलतियाँ करते हैं, आपको उन गलतियों का फ़ायदा लेना है। तो इसीलिए वेन एवर मार्केट फॉल्स, आपको पैनिक होने से ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए, ताकि जब मार्केट में ऊपर चला जाए, बहुत ऊपर चला जाए, जहाँ पर लोग खुश होकर बाय करते हैं, तब आपको थोड़ा उल्टा सोचना है। सो जैसे कि वॉरेन बफेट कहते हैं कि जस्ट डू द अपोजिट, तो उसी पर हमारा फोकस ये रहना चाहिए। और आने वाले टाइम में इलेक्शंस हैं अभी US के, फेडरल रिजर्व की मीटिंग्स है, तो आने वाले टाइम में मार्केट्स काफ़ी वोलेटाइल ही रहेगा। और मिड कैप की जैसे हमने बात की, वो काफ़ी ओवर वैल्यूड मुझे लगता है पूरा का पूरा सेक्टर, लेकिन एक इंडिविजुअल कंपनी के तौर पे अगर देखा जाए तो आपको वहाँ पर थोड़ा स्मार्टली खेलना पड़ेगा। तो सोलर कंपनीज के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि देर आर मेनी सोलर कंपनीज विच आर ट्रेडिंग एट वेरी वेरी हाई वैल्यूएशंस। अब देखिए, जब तक ये बूम चल रहा है तब तक सब ठीक है, लेकिन एक बार देखो 200-300 के पी काफ़ी कॉमन चीज़ हो गई है सोलर सेक्टर के लिए। अब 200-300 का पी आप मांग रहे हो तो आपको हर साल 100% की ग्रोथ देनी पड़ेगी, और 100% की ग्रोथ आप एक दो साल दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो आने वाले टाइम में तो ये बनी रहेगी प्राइसेस, पी रेशो बने रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो अगर आप 300-400 के पी पर बाय कर रहे हो, सो दैट कुड बी अ वेरी रिस्की फैक्टर फॉर यू इन द लॉन्ग रन, तो वो भी आप ज़रूर ध्यान में रखें। सो फ्लो में ना जाए और प्रॉपर वैल्यूएशन करके ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो फिलहाल हम यही पर रुकते हैं, आई होप आपको एक क्लैरिटी आ गई होगी कि वाई FIIs आर सेलिंग, एंड आपको भी किस तरह से कॉशियस रहना आने वाले कुछ टाइम में, क्योंकि वोलेटिलिटी बनी रहेगी बिकॉज ऑफ द US इलेक्शंस एंड फेडरल रिजर्व मीटिंग, और जो खराब परफॉर्मेंस है Q2 की उसकी वजह से। Q3 पर अब सबका ध्यान रहेगा, जिसके रिजल्ट जनवरी में आएंगे, वहाँ पर अगर रिकवरी होती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वहाँ पर भी रिकवरी नहीं होती है तो एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ होगी पूरे शेयर मार्केट के लिए, भारत के। तो फिलहाल यहीं पर रुकते हैं, जाते जाते हमारे बिग कॉम्बो ऑफर को ज़रूर चेकआउट कीजिए, बिकॉज उसके बस आखिरी चंद घंटे बाकी हैं, अगले कुछ ही घंटों में ये ऑफर खत्म होने वाला है। तो उससे पहले इस ऑफर का ज़रूर फायदा लें, क्योंकि इस प्राइस में बाद में ये ऑफर आपको बाद में कभी नहीं मिलेगी। सो लाइफ टाइम एक्सेस है, सारी चीज़ें हैं, और बहुत बढ़िया इसका फीडबैक है, और जनरली लोग हमारे कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक देते रहते हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं अगर बताऊंगा तो वो सही नहीं रहेगा। सो दीज आर वेरी लव्ड कोर्सेस, और बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हम यहाँ पर बात करते हैं, 100% प्रैक्टिकल है। तो ये आखिरी चांस है आपका, इसे मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय एंड टेक केयर।